मैं जब दिल्ली में मुसीबत में था और वहां पर मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं पेमरिटोर पेमर उसमें डाल के उनको बच्चों को ले जाता था, वो दूध दूध का पैकेट लेने जाता था मैं उनको, तो शमशेर जी मुझे मिल जाते थे, वो भी वही मटन टाउन में रहते थे। तो मुझसे कहते थे आगने अभी तुम मत जाना, यही यही रहना। तो मैं कहता कहाँ जा रहे हैं, नहीं थे मैं भी आता तो किसी स्टोर में चले जाते थे और स्टोर से टॉफी लेके, मैं कहते क्या लेके आ गया, तो कहते हैं टॉफी लेती बच्चे, अरे मतलब इंसान थे, मतलब आपको कितना प्यार दे सकते हैं और कितना नहीं। ऐसे एक जर्नी को मैं काम करता था दिल्ली में था, वो मॉडल टाउन में सारे कुछ लोग जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वो नज़दीक है यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में उसमें रहते थे, तो शमशेर जी भी दिल्ली में रहते थे और वो शमशेर जी एक परिवार में रहते थे, वो परिवार था मलयज जी का परिवार, एक साहित्यिक परिवार, सुमित्र कुमार सिन्हा का एक परिवार हो गया है। तो मलयज बहुत बड़े क्रिटिक हिंदी के हो गए हैं, कभी भी थे मलयज जी थे। प्रमीला वर्मा एक कवित्री थी हिंदी की, ये तीन बहनें थी, और निर्मला वर्मा, प्रमीला वर्मा, प्रमीला वर्मा की बाद में बताऊंगा मैं आपको, और निर्मला वर्मा की शादी दूधनाथ सिंह से हुई, और एक और है उनकी अजय सिंह से शादी हुई, तीन बहनें थी ये, और वो उनको साहित्यकारों से उनके बड़े अच्छे संबंध थे, वात्स्यायन जी से भी अच्छे संबंध थे उनके, और लोगों शमशेर जी से भी संबंध थे। शमशेर जी मलयज के परिवार में रहते थे और उनका अनुराग था प्रमीला वर्मा से, वो दूधनाथ सिंह ने लिखा भी है कि तीन बड़े बड़े साहित्यकार लोग निर्मला वर्मा के प्रति आसक्त थे, उसमें वात्स्यायन जी का नाम भी था, शमशेर जी का भी, तो शमशेर जी वहीं रहते थे, प्रमीला वर्मा के साथ मलयज के घर में ही रहते थे, और मैं भी उस समय मॉडल टाउन में रहता था, मॉडल टाउन में भी रहता था। फिर उस बीच में प्रमीला वर्मा ने एक किसी विदेशी विदेशी काउंसलर था कोई, उससे शादी कर ली उन्होंने, तो वो मगर वो मलयज जी के साथ, तो वो हम लोग निकलते थे शाम को, तो कभी कभी भी मिल जाते थे कभी, या किसी गोष्ठी में किसी कार्यक्रम में। उस समय जमाने में देवी शंकर अवस्थी भी थे मॉडल टाउन में, जिनकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई बाद में, रेखा अवस्थी जो है उनके पति उनके पिता, वो तो वो उनकी डेथ, तो वहाँ पर वो कभी भी किसी भी कार्यक्रम में कभी भी किसी होली के समय कि दिवाली के समय कभी शमशेर जी से बातचीत होती रहती थी, उनसे मिलना होता रहता था, मगर मेरा उनसे उस तरह का बहुत, जहाँ वो रहते थे वहाँ मैं नहीं जाता था, उनका कभी मेरा जाना हुआ नहीं, जहाँ शमशेर जी रहते थे वहाँ वो नहीं जा पाया। जैसा मेरा मुक्तिबोध जी से मिलना जुलना रहा वैसा शमशेर जी से नहीं, त्रिलोचन जी से जरूर रहा। त्रिलोचन जी की सागर में मैं कई बार गया, सागर में वो थे पीठ पर थे, सृजन पीठ पर थे, तो वो, और कभी दिल्ली में भी कई बार मुलाकात हुई उनकी होती थी, बसों में भी बैठ गए, बसों में भी मुलाकात हुई उनसे, तो त्रिलोचन जी से, शमशेर जी तो बाद में फिर यहाँ आ गए थे मध्य प्रदेश, और उज्जैन में थे सृजन पीठ में शमशेर जी, फिर उससे उनकी रंजना अरगरे नाम की एक महिला है, उसने उनको उनकी देखभाल शुरू करी है ना, वो उनकी देखभाल करती है। अच्छा, इस बीच में मैं यहाँ से हट गया था, मैं वहाँ चला गया था, तो वो जो उनका मध्य प्रदेश वाला जो काल था उसमें मियाँ नहीं था मैं, तो मेरी उनसे भेंट ज़्यादा हुई नहीं, एक आध बार में किसी कार्यक्रम में आया तो मुझे यहाँ मिल गए वो, तो उस समय उनकी उनको वो पार्किंसन डिसीज हो गई थी उस शमशेर जी को, तो उनका वो हाथ हिलते रहते थे और हिलते रहते थे, उस समय वो काफ़ी स्थिति उनकी खराब हो गई थी, तो वो उज्जैन में रहते थे, तो उससे मेरे उस तरह से मेरा बहुत व्यक्तिगत उनसे कोई ज़्यादा नहीं रहा, मगर जितना समय में
जितने समय में और जितने बार भी मिला उनसे थोड़ी देर के लिए, उससे मैं उनकी उनकी इंसानियत से मैं काफी रूबरू हुआ है।